हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीआर स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग फिर एसबीआई पीओ मेंस सीरीज को लेके कुछ बेहतरीन 10 सवालों को देखेंगे, जो एसबीआई पीओ में मेंस में हम लोगों को क्या करना है सॉल्व करने के, उसकी एक स्ट्रेटेजी और उसको बेहतरीन सवालों को देखना है। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो लोग नए आए हैं, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ अटैच्ड है, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ व्हाट्सएप पर डिलीवर नहीं हो रहा है, उस पीडीएफ में डिटेल दिया हुआ है आपको ये क्वेश्चन कैसे व्हाट्सएप पे मिल सकता है। ठीक है, तो डिटेल को भी पढ़ के अगर आप ज्वाइन करना चाहें हमारे व्हाट्सएप चैनल से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं उन चैनल से भी। वीडियो को दबा के शेयर करना है, चाहे जितने भी तुम्हारे ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे, उन हर एक ग्रुप में डाल दो वीडियो को। जितना तुम शेयर करोगे उतना ही मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तुम्हारे शेयर पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब तक तुम शेयर नहीं करोगे तब तक मुझे लगेगा नहीं कि हमारे चैनल में बच्चे आ रहे हैं, तब तक मैं क्यों कितना मेहनत करूंगा, कब तक मेहनत करूंगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख के आपको वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, तो चलो बिना देरी के हम लोग सेशन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो डीआई है वो एमपी और सीपी पे बेस्ड, थोड़ा सा एमपी सीपी थोड़ा इंक्रीज डिक्रीज सब चीज बोल दो, उस पर बेस्ड एक बहुत ही बेहतरीन डीआई है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग उस ग्राफ को समझेंगे, उस ग्राफ से जो डेटा निकलेगा उस डेटा को निकालेंगे और उसके बाद सारा कार्यक्रम करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है, इंस्ट्रक्शन हम लोग देख लेते हैं। A shopkeeper goes to a wholesaler, buys some wallet, belt, cap, deodorant and goggles of same type in the month of May and then June. दो महीने में जाता है, मई में और जून में जाता है। ठीक है, द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द शॉपकीपर ऑन द परचेज ऑफ एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ आइटम इज इक्वल फॉर बोथ मंथ। ठीक है, टोटल अमाउंट जो स्पेंड करा गया शॉपकीपर के द्वारा, किसको दिया होगा, होलसेलर को दिया होगा टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट कैसे निकलता है, हर एक का सेलिंग प्राइस इनटू क्या क्वांटिटी। ठीक है, टोटल अमाउंट जो स्पेंड करा गया वो क्या है, दोनों ही महीने में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अगर मई और जून की बात कर रही है, तो हम लोगों ने एक डेटा यहां से निकाल, थोड़ा सा हिंट कर देते हैं कि एसपी ऑफ मान लो मई, ठीक है, इनटू में क्वांटिटी ऑफ मई करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, जो दिए हुआ है टोटल अमाउंट। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल अमाउंट के बराबर। ठीक है, तो अब यहां से ये डेटा हमारा निकला। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, द कॉस्ट प्राइस फॉर होलसेलर ऑफ ईच आइटम इज सेम फॉर मई एंड जून। मई और जून के लिए होलसेलर का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, पहला जो ग्राफ दे रखा है वो ग्राफ क्या बता रहा है, द होलसेलर इन ऑर्डर टू इंक्रीज इज प्रॉफिट इंक्रीजेज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम। ठीक है, शॉपकीपर जो है प्रॉफिट इंक्रीज करने के जगह क्या करता है, सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, उसका ये ग्राफ दिया हुआ है, द ग्राफ बिलो शोज द इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट ऑन ईच आइटम फ्रॉम मई टू जून। तो जो ऑर्डर में मैं प्रॉफिट को इंक्रीज कराएगा वही ऑर्डर में वो क्या करता है, एसपी को इंक्रीज करा देता है। मतलब ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये एसपी के इंक्रीमेंट को दिया हुआ, कहां से कहां, मई से जून। हम लोग सबसे पहले वैलेट का जो मेन कॉमन डेटा है उस कॉमन डेटा को निकाल के समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग वैलेट पे। ठीक है, वैलेट पे देखो सबसे पहले जो इंक्रीज दिया है प्रॉफिट में, बोलो इंक्रीज इन प्रॉफिट और एसपी जो भी बोलो वो तुम्हारा, और एसपी वो क्या दिए हुआ है तुम्हारा 66.67%, जो कि कितना हो जाएगा हमारा 2/3 में, कितना हो जाएगा 3, जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 2/3 कहने का मतलब क्या है कि अगर मई से जून में हो रहा है, ठीक है, तो प्रॉफिट अगर मई में, ठीक है, मई में अगर 3 यूनिट होगा तो 2 का इंक्रीमेंट करके जून में कितना हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, 3+2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो आगे क्या दे रखा है सवाल में, अगला ग्राफ क्या देखा है, एज द होलसेलर इंक्रीजेज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम, होलसेलर जो है सेलिंग प्राइस बढ़ा देता है हर एक आइटम का, द शॉपकीपर हैड टू कट डाउन सम क्वांटिटी इन ईच कैटेगरी फ्रॉम द क्वांटिटी ही प्लांड टू बाय, जो खरीदना चाह रहा था उससे वो क्या करता है, कुछ कटौती कर देता है। ठीक है, विच वॉज इक्वल टू द अबाउट मई, इक्वल टू द क्वांटिटी अबाउट इन मई, जो कि वो मई में बाय करना चाह रहा था। जैसे शॉपकीपर जो है, होलसेलर जो है वो क्या किया, सेलिंग प्राइस को बढ़ा दिया, तो जो शॉपकीपर है वो क्या करेगा, क्वांटिटी अपना कम कर देगा। शॉपकीपर प्राइस बढ़ाया होगा मई से जून में, ठीक है, जो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है ना, मई से जून में प्रॉफिट उसका बढ़ रहा है और सेलिंग प्राइस भी इसी रेशियो में बढ़ेगा, तो वो क्या कर रहा है वहां पे, सवाल में आगे क्या दिया हुआ है तुम्हारा, अगला जो ग्राफ दिया हुआ है कि होलसेलर जो ये बढ़ाया, दाम बढ़ाया,
तो शॉपकीपर क्या कर रहा है, तुम्हारा क्वांटिटी घटा दे रहा है, ठीक है। द ग्राफ बिलो शोज द क्वांटिटी कट डाउन इन जून एज अ परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी बॉट। ग्राफ जो है कट डाउन का परसेंटेज बता रहा है टू क्या बाउट का परसेंट, बाउट से, ठीक है। तो पहला वॉलेट में ही देखो, वॉलेट में तुम्हें दिए हुए है 14.29%, 14.29% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/7, ठीक है। तो जून में उसने जो खरीदा होगा, जून में खरीदा होगा सपोज दैट उसने 7, ठीक है, तो मई में कितना खरीदा होगा। अब यहां देखो कट डाउन हमारा 8 हुआ है, 7 अभी हम खरीद रहे हैं, तो 8 में 1 का कट डाउन करेंगे तभी ये आएगा, तो यहां से क्या आ गया 7/8 आ गया। अभी देखो यहां पे क्या बोला, एसपी ऑफ मई और क्वांटिटी हमारा टोटल अमाउंट के बराबर होता है। सवाल में एक चीज और दिए हुए था कि टोटल अमाउंट जो है बाय द शॉपकीपर ऑन द परचेज ऑफ पर्टिकुलर आइटम इज इक्वल फॉर बोथ मंथ, मतलब टोटल आइटम जो है वो क्या है दोनों महीने का बराबर है। तो यहां से देखो अगर एसपी ऑफ मई, एसपी ऑफ मई ठीक है, और बटे में एसपी ऑफ जून कर देते हैं, ठीक है, और इनटू मई की क्वांटिटी, मई की क्वांटिटी अगर मान लो 8 ही है तो 8 लिख दिया, और जून की क्वांटिटी कितनी है 7 है तो 8/7 लिख दिया, बराबर में यहां पे भी टोटल अमाउंट एक्स आएगा, यहां पे भी टोटल अमाउंट एक्स आएगा, तो एक्स एक्स जब खत्म हो जाएगा तो एसपी जो होगा मई का बटे में एसपी जो होगा वो जून का, उसकी रेशियो कितनी निकल के आ जाएगी 7:8। अब तुम यहां थोड़ा सा ध्यान से देखो कि अगर ये वाला टर्म कांस्टेंट है तो ये दोनों क्या होगा, इनवर्स का रिलेशन यहां पे निभाएगा। जब इनवर्स का रिलेशन ये दोनों में निभाएगा तो हम जान रहे हैं कि अगर क्वांटिटी हमारा 7/8 है तो एसपी क्या निकल के आ जाएगा, 7 एसपी क्या निकल के आ जाएगा, मई और जून का 7/8 आ जाएगा, ये जून और मई है हमारा, ठीक है। तो यहां से हम मान लेते हैं इसको 70A मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं 80A मान लेते हैं, ठीक है, 70A और 80A यहां से हमारा हो गया। अब आगे देखो आगे क्या दे रखा है, यहां पे तुम्हारा प्रॉफिट जो दे रखा था या इंक्रीज जो दे रखा था वो 2/3 का दे रखा था, ठीक है, कहां से, मई से जून में। तो मई से जून में देखो तो यहां पे तुम्हारा कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, मई से जून में इंक्रीमेंट हुआ है 10A का, और यहां पे इंक्रीमेंट 2A है, यानी 2A का ही वैल्यू कितनी हो जाएगी 10A हो जाएगी, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की वैल्यू हो जाएगी 15A, यानी कि 3 जो था हमारा वो मई के प्रॉफिट को इंडिकेट कर रहा था, तो 3 की वैल्यू 15A आ गई और यहां 5 की वैल्यू कितनी आ गई 25A आ गई, ठीक है। अब यहां से देखो एक और डेटा हमारा निकल के आ गया, कौन सा डेटा निकल के आ गया हमारा, एसपी ऑफ मई हमें मालूम है कितना 70A, एसपी ऑफ हमारा ये भी मालूम है, प्रॉफिट ऑफ मई मालूम है कितना 15A, तो हम सीपी निकाल सकते हैं यहां से, सीपी 70A में से 15A चला जाएगा तो ये कितना देगा हमारा 55A देगा। तुम्हें सवाल में बोला था कि सीपी जो है वो हर महीने का इक्वल है, यहां पे देखो तुम्हारा 80A में जब 25A घटाओगे तो क्या हो जाएगा 55A, हमारा ये डेटा यहां से निकल गया। देखो मेन डेटा जो हमारा कौन कौन सा निकला, एसपी निकला हमारा मई का 70A, 80A एसपीएसपी निकल गया, सीपी निकल गया हमारा, प्रॉफिट ऑफ मई निकला हमारा, प्रॉफिट ऑफ जून निकला हमारा, और ये क्वांटिटी हमारी निकली यहाँ पे कितनी, क्वांटिटी का जो रेशियो जो हम लोगों ने खरीदा था क्वांटिटी का वो कितना निकला 7/8 निकला। इसी बेसिस पे हम लोग एक चार्ट बनाएंगे हर एक का जितनी भी क्वांटिटी है, और उसके बाद सवाल जो होगी ना बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहां से थोड़ा सा ये जगह ले ले रहा हूं अपने लिए, और यहां पे देखो मैं क्वांटिटी को कैसे लिखूंगा, ठीक है, तो यहां से हम लोग का डेटा कैसे निकालेंगे हम लोग ये देखो, सबसे पहले हम लोग यहां से ना नोटिंग करते हुए चले जाते हैं, ठीक है, ये वॉलेट के लिए, फिर हमारा क्या है बेल्ट, फिर क्या है हम लोगों का कैप, फिर है डिओड्रेंट, और फिर है हम लोगों का, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से जो है हम लोग सबसे पहले बाउट जो है क्वांटिटी का जो है हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। देखो क्वांटिटी यहां पे तुमने निकाला 14.29 के अकॉर्डिंग, ये वाला पार्ट में देखो 14.29 1/7 होता है 7 जून के लिए, साथ में 1 जोड़ दिया 8 मई के लिए हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहां से जून बाई मई का ही निकालेंगे, इसका 7/8 निकला हुआ है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग हर एक का जो है निकालते चले जाएंगे, तो हर एक का निकालते चले जाएंगे, तो देखो तो यहां से क्या हम लोगों का 7/8 हो गया।
बेल का देखो 22.22% दिया, 22.2 का मतलब क्या हो गया 2/9, यानी कि जून में जो हो जाएगा वो तुम्हारा हो जाएगा 9 और यहाँ 2 जोड़ देंगे यानी कितना हो जाएगा 11। कैप का लिए देखो कितना है 16.67%, जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 15, यानी 15/1 जोड़ देंगे यानी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ड्यूडरेंट में देखो 27.27%, जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 3/11 होती है यानी 11 और 3 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखो क्या दिया हुआ है 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है 3/20 यानी 20/1 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ये हमारा क्वांटिटी का हर एक का निकल गया। अब क्वांटिटी जब निकल गया तो हम लोग यहां से क्या करेंगे एसपी पे आ जाएंगे। ठीक है, एसपी ऑफ जून आ जाएंगे, फिर एसपी ऑफ यहां से मई आ जाएंगे। ठीक है, ये दो चीज हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहां पे ध्यान दो, जून का 7 था तो यहां पे जून का कितना आया 8 है, मतलब 7/8 था तो यहां पे क्या हो जाना चाहिए 8/7, यानी जून और मई का 7/8 है तो जून और मई का यहां क्या होता है 8/7, जिसको 8 को हम लोग क्या मान रहे हैं 80A मान रहे हैं। यहां पे भी हम लोग उल्टा करते चले जाएंगे। ठीक है, उल्टा करने का मतलब क्या है हम लोगों का कि अगर यहां पे जून का 7 है तो मई वाला यहां पे क्या लिख देंगे 80A लिख देंगे, तो यहां क्या हो जाएगा 70A हो जाएगा। उसी तरीके से यहां 110B लिख देंगे तो यहां क्या हो जाएगा हमारा 90B हो जाएगा। 160C लिख देंगे तो ये 150C, और यहां पे 140D लिख देंगे तो ये 110D, और यहां पे ये लिख देंगे 230E तो ये हमारा हो जाएगा 200E। ठीक है, ये क्वांटिटी हम लोगों की यहां से निकल के अभी तक में ये चीजें मैंने हम लोग निकाला। तो हम लोगों ने देखो ये क्वांटिटी की चर्चा कर ली, ठीक है, ये एसपी की चर्चा कर ली। अब एसपी की जब चर्चा कर ली तो अब यहां से देखो तुमने क्या किया था, इन दोनों का डिफरेंस जो है ये इंक्रीमेंट के बराबर था, ये वाला जो इंक्रीमेंट है इसके इंक्रीमेंट के बराबर था फर्स्ट ग्राफ के डेटा पे। अब आ जाओ फर्स्ट ग्राफ में, वॉलेट का जो फर्स्ट ग्राफ है वो 66.27% है, जिसकी क्या होती है 2/3 कितनी 3 होती है। ठीक है, फिर यहां पे बेल्ट पे आओगे तो 133 है, जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है 4/3 होती है। कैप में आओगे तो 55 है, जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है 5/9 होती है। फिर यहां पे डिओड्रेंट में आओगे तो डिओड्रेंट में 120% है, जो कि क्या होती है 6/5 होती है। ठीक है, फिर गूगल पे आ जाओगे तो गूगल में कितनी होती है 3/4 होती है। ठीक है, अब यहां से तुम देखो और भी डेटा तुम यहां से निकाल सकते हो। और भी डेटा कौन कौन सा हम लोग को निकालना है, तीन चीज हम लोग को और निकालना है। प्रॉफिट निकालना है मई का, प्रॉफिट निकालना है हम लोगों को जून का, ठीक है, और फिर हम लोगों को सीपी निकालना है। ठीक है, ये सीपी हम लोगों का निकलेगा। अब देखो यहां से तुम्हारा क्या है, तुमने क्या किया था, इन दोनों का अंतर 80 और 70 का अंतर इस 2 के बराबर, यानी 2 का मान 10A के बराबर तो 1 का मान हमारा हो जाएगा 5A, 3 का मान हो जाएगा हमारा 15A, तो यानी प्रॉफिट जो निकला वो निकला 15A, 3 × 2 = 5, 5 का मान हो जाएगा हमारा 25A। अब सीपी तो हर दोनों महीने का क्या है हमारा बराबर है, तो जब बराबर है तो 70 में 15 घटा दो तब भी 55A आएगा, और 80 में 25 घटा दो तब भी 55A आएगा। अब यहां पे देखो 90 और 10 20 है, यहां पे 4 का मान 20B के बराबर तो 1 का मान हो जाएगा हमारा 5B के बराबर। 1 का मान जब 5B के बराबर हो रहा है हम लोगों का तो 3 का मान कितना के बराबर होगा 15B के बराबर होगा। ठीक है, 90B में 15B चला जाएगा यानी कि कितना बचेगा हमारा 75B बचेगा, 4 × 3 = 7 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 35B। यहां भी चेक कर लो, 110 में 35 घटाओगे तो 75 तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ो, अगला यहां देखो 10C, 5 का मान 10C के बराबर तो 1 का मान 2C के बराबर तो 9 × 2 कितना हो जाएगा 18C, 150 में 18 घटा दोगे तो 132C, 9 × 5 = 14, 14 × 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 28C। ठीक है, यहाँ पे देखो 30, 6 का मान 30 के बराबर तो 1 का मान 5 के बराबर यानी कि यहाँ पे हो गया 25B, 110 में जब तुम 25 घटाओगे तो वो तुम्हें देगा 25 घटाओगे तो वो देगा तुम्हें 85D। ठीक है, 6 × 5 = 11 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 55D। यहां से भी चेक कर लो तुम, 140D जून में और जून का प्रॉफिट घटाओगे तो 85D आ जा रहा है हमारा यहाँ पे। इसमें देखो यहाँ पे 30 है, 3 का मान 30 के बराबर तो 1 का मान 10 के बराबर यानी कि यहाँ पे 40E हो जाएगा। 40E जब 200 में तुम घटा दोगे तो ये हो जाएगा 160E, 4 × 3 = 7 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 70E। ठीक है, यहां से तुमने ये सारा डेटा जब निकाल लिया तो तुम्हारा उस 2 ग्राफ की वैल्यू खत्म हो गई। ये डेटा जल्दी से जब निकल जाएगा तो अब इसी पे बेस्ड हमारा जो भी होगा सवाल होगा।
अब सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल देखो हम लोग का क्या है, एक-एक करके अब सवाल देखो कितना ही आसानी से हम लोग सारे सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। पहला सवाल देखो, पहला सवाल क्या बोल रहा है, द टोटल प्रॉफिट मेड बाय होलसेलर बाय सेलिंग 70 वॉलेट, ठीक है, 70 वॉलेट को जून में बेच के वो कितना कमा रहा है, 21,000 कमा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखो जून में जो उसने बेचा वो बेचा 70 वॉलेट, तो 7 का मान जब 70 के बराबर होगा तो 8 का मान कितना के बराबर होगा, 80। मई में उसने कितना बेचा होगा, 80 बेचा होगा। अब यहां से 70 वॉलेट बेचने में उसे 21,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट जो हो रहा है वो, अब यहां पे एक चीज ध्यान रखो कि ये जो भी क्वांटिटी निकला है ये एक का निकला है, ठीक है, ये चार्ट निकला है एक पीस का तुम्हारा दिया हुआ है, एक पीस का प्रॉफिट 15, एक पीस का सीपी 55 है, ठीक है। तो 70 वॉलेट का जो तुम्हारा प्रॉफिट है जून में वो है 21,000 डिग्रिया बटे में 70 ए, ये क्या हो गया जून में प्रॉफिट हो गया। जून में प्रॉफिट कितना है, 25 ए है, यानी कि 25 ए के बराबर कर दो, एक का प्रॉफिट निकल जाएगा, 7 से काट दो, यहां से 7 से 312 में, 25 से 12 में ए का मान निकल गया कितना, 12। ए जब 12 निकल गया तो तुमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉलेट सोल्ड इन मई, मई में टोटल वॉलेट जो बेचा गया था उसका तुम्हें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो मई में टोटल वॉलेट देखो तो मई का सीपी सबसे पहले निकाला, तो 55 ए हो जाएगा हमारा। तो टोटल सीपी जब हम लोग आएंगे तो टोटल सीपी कैसे निकालेंगे, 55 ए है जिसको हम लोग 55 ए हम लोग का सीपी हो गया। टोटल मई में जो हम लोग का कब निकालना है, मई में क्वांटिटी कितना है हमारा, 80 है, तो 80 गुना कर देंगे यहाँ पे हम लोग, तो 55 गुने में 12 गुने में जब 80 करेंगे तो ये करने के बाद हम लोगों को दे देगा ये 52800, और यही हमारा आंसर है इस सवाल का, 52800, ठीक है। अब ये ग्राफ निकल गया तो देखो ये सवाल सारा कितना हो जा रहा है, आसान हो जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ो अगला सवाल की ओर, अगला सवाल देखो क्या है, अगला में देखो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ, देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखो कि ये क्वांटिटी की अब हमें जरूरत नहीं है, तो इस क्वांटिटी को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मिटा देंगे, ठीक है। इस भी क्वांटिटी की हमारी जरूरत होगी, जहां पे सवाल में अलग अलग रहेगा वो। नंबर ऑफ बेल्ट परचेज बाय शॉपकीपर इन मई इज कितना, 220। मई में जो बेल्ट परचेज किया गया वो 220 था, यानी 20 गुना करके, यानी कि ये जून में कितना खरीदाया गया होगा, 180 खरीदाया गया होगा, ठीक है। फिर बोल रहा है द प्रॉफिट इज 160 इज मेड ऑन होलसेलर ऑन वन बेल्ट ऑन जून, जून में एक बेल्ट पे जो है, एक बेल्ट पे जो प्रॉफिट हुआ 35 भी, और वहां पे बोल रहा है एक बेल्ट पे जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 160 रुपया हो रहा है, ठीक है। तो यहां से हम लोग एक चीज कर सकते हैं, ये जो प्रॉफिट हो रहा है वो कब का हो रहा है हमारा, जून में हो रहा है, ठीक है। तो जून में अगर हम लोग टोटल प्रॉफिट का बात करें तो टोटल 35 भी रहा है तो यहाँ पे, ठीक है। अगर टोटल प्रॉफिट की बात करा जाए हम लोग को जून में, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा, 160 गुने में कितना, 180 हो जाएगा। अब आगे देखो क्या दे रखा है, द टोटल प्रॉफिट ऑफ बेल्ट इन जून, ठीक है, ये जून का हमारा आया, ये किसके बराबर दिए हुए है, ये बराबर दिए हुए है ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ कैप इन मई, ये बराबर है हमारा टोटल प्रॉफिट ऑफ कैप इन मई, ठीक है। मई में जो कैप पे टोटल प्रॉफिट हुआ, एक पे 25 दी टोटल क्वांटिटी निकल जाएगा, तो हमारा टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा टोटल, सॉरी कैप पे, ठीक है, 1880 टोटल क्वांटिटी में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये किसके बराबर है, 1880 के बराबर है, ठीक है। अब यहां से देखो तुम्हें क्या दे रखा है सवाल में, कि टोटल प्रॉफिट ऑफ कैप इन मई इज कितना तुम्हारा दिए हुए है, ये दिए हुए है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इफ अ टोटल ऑफ 300 कैप वेयर सोल्ड इन जून, जून में जो है वो 300 कैप सोल्ड किया गया था, 15 का मान 300 के बराबर, तो एक का मान 20 के बराबर, 16 का मान क्या हो जाएगा, 320 के बराबर, ठीक है। 1880 हमको एक पे हो रहा है, टोटल पे कितना होगा सर, 1880 गुने में 320, ठीक है। मई में कैप पे निकला प्रॉफिट जो कि किसके बराबर है, 160 गुने 180 के बराबर है, ये 0 0 खत्म, 1818 खत्म, 32 160 कट जाएगा पांच बार में, सी की वैल्यू कितनी निकल गई, 5 निकल गई। सी जब 5 निकल गया तो हमसे क्या निकालने के लिए बोला है सवाल में, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ वन कैप इन जून, जून का एक कैप पे सेलिंग प्राइस कितना है, जो कि कितना है, 160 सी है, तो 160 गुने 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 800 हो जाएगा, और यही हमारा इस सवाल का आंसर है, 800 इस सवाल का आंसर है, ठीक है। तो अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है,
फिर उसी तरीके से हम लोगों ने जो डेटा यहाँ पे लिखा था, इस डेटा को हम लोग क्या करेंगे, इरेज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर एक सवाल में सेम डेटा हम लोगों को दिए रखेगा, ठीक है। आगे देखो आगे क्या दे रखा है हमारा सवाल में, आगे बोल रहा है सवाल में, थर्ड नंबर सवाल में क्या है, द सेलिंग प्राइस ऑफ डिओड्रेंट इन जून इज रुपीज 280। सेलिंग प्राइस जो है डिओड्रेंट का वो कितना है, 280 है, एंड टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन डिओड्रेंट इज 12320, ठीक है। टोटल अमाउंट जो स्पेंड करा गया डिओड्रेंट पे मई में वो कितना, मई में जो स्पेंड करा गया वो कितना स्पेंड करा गया, 12320। और एक चीज इसमें स्टार्टिंग में दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ डिओड्रेंट इन जून, डिओड्रेंट का जून में 140, डी का मान दिया हुआ है 280, ठीक है, तो डी का मान कितना निकल जाएगा 20, 110, डी का मान कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ मई कितना हो गया, 220 हो गया। अब यहाँ पे टोटल हमारा ये दिए हुए है मई में इतना हुआ, और एक से जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, क्वांटिटी ऑफ मई निकल जाएगा। 220 यहां से काट दो 0 0, और यहां से जब काटोगे तो ये तुम्हें दे देगा 11 से 2 बार में, और 11 से 1 1 और यहां से 2, ठीक है, फिर 2 से काट दो इसे 56 बार में, यानी कि क्वांटिटी जो मई में हो गया वो कितना हो गया 56। अब यहाँ पे ध्यान दो, क्वांटिटी डिओड्रेंट का मई में 56 जब हो गया तुम्हारा, तो 14 का मान 56 के बराबर जब हो रहा है तो 11 का मान कितना के बराबर होगा, 44 के बराबर होगा, ठीक है। आगे देखो आगे क्या बोल रहा है सवाल में, अगला लाइन क्या है, बोल रहा है द नंबर ऑफ डिओड्रेंट सोल्ड इन मई इज 20% ऑफ द नंबर ऑफ गूगल सोल्ड इन जून। जून में जो गूगल बेचा गया 20 का जो है 20 का जो है कितना परसेंट है, 20%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है 1, 20 एक मान हुआ यहां से, ठीक है। ये किसके बराबर है हमारा, ये है हमारा गूगल नंबर ऑफ डिओड्रेंट सोल्ड इन मई, मई में जो डिओड्रेंट बेचा गया किसके बराबर है हमारा, 56 के बराबर है, ठीक है। 5 से काट दो 4 बार में, 4 से कट जाएगा 14 बार में, ए का मान निकल गया हमारा 14, ठीक है। तो इसकी क्वांटिटी निकल के कितनी आ गई, 20 गुने में 14, इसकी क्वांटिटी कितने निकल के आ गई, 23 गुने में हमारा 14 निकल के आ गई, ठीक है। आगे देखो आगे क्या बोला, टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन गूगल इन मई इज, मई में जो गूगल पे, ठीक है, टोटल अमाउंट स्पेंड करा गया वो कितना स्पेंड करा गया, 12880, ठीक है। तो जब 12880 स्पेंड करा गया तो हमसे पूछा व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ वन गूगल इन मई, एक गूगल का सेलिंग प्राइस बताना है। तो सेलिंग प्राइस जब हम एक गूगल का कैसे बताएंगे, इसको क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। हम लोग जानते हैं स्टार्टिंग में मैंने बताया था सेलिंग प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल अमाउंट, ठीक है। टोटल अमाउंट दिए हुए सेलिंग प्राइस निकालना है, क्वांटिटी यहां अगर ले आएंगे यहां से हटा के तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस जब निकल गया हमारा तो यहां से देखो कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी मई में देखो तो मई में किसका दिए हुआ है हमारा, गूगल्स का, मई में गूगल्स की क्वांटिटी कितनी है, 23 गुने कितना है 14 है, ठीक है। 23 गुने यहां पे क्या कर दो, 14 कर दो। अब जब 23 गुने 14 करोगे तो तुम यहां से 23 से ये कट जाएगा तुम्हारा 56 बार में, 5600 बार में, 14 से काट दो इसे तुम 400 बार में, यानी कि सीपी जो निकल गया एक का कितना निकल के आ गया, 400 रुपीज निकल के आ गया, और यही सवाल का आंसर है 400 रुपीज, ऑप्शन नंबर कितना, बी, ठीक है। चलो अगला सवाल की ओर चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। एज इट इज एक्स्ट्रा डेटा जो हम लोग लिखे थे उस सारे डेटा को हम लोग क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। चलो अगला सवाल देखो क्या है, द नंबर ऑफ, क्या बोल रहा है सवाल में, द नंबर ऑफ बेल्ट कट डाउन बाय द शॉपकीपर इज 40, ठीक है। बेल्ट जो कट डाउन करा गया वो कितना करा गया, 40 कट डाउन करा गया, तो 9 से 11 यानी 2, 2 का समान 40 के बराबर, तो 1 का मान 20, तो 9 का मान कितना 180, 11 का मान कितना 220, ठीक है। अब आगे देखो आगे क्या बोल रखा है सवाल में, द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बेल्ट, टोटल कॉस्ट प्राइस यानी एक का कॉस्ट प्राइस कितना है, 75 भी है, ठीक है, एक का कॉस्ट प्राइस 75 भी, टोटल कॉस्ट प्राइस जो आया है वो आया है 49500, कब आया है, मई में, मई की क्वांटिटी कितनी है 220, तो एक का क्वांटिटी का निकल जाएगा 75 भी, यहां से सॉल्व करोगे तो 22 से ये कट जाएगा तुम्हारा 225 बार में, ठीक है, या 11 से काट दो 2 बार में, 11 चौक 44, ठीक है, और 11 चौक 44, 11 पचे 55, यहां से 2 से कट जाएगा तुम्हारा 225 बार में, 75 से कैसे काट दो 3 बार में, बी की वैल्यू निकल गई 3। अब जब बी की वैल्यू 3 निकल गई तो बोल रहा है व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ बेल्ट इन जून, जून में तो 110 बीपी आना है, 110 गुने 3 हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा,
मार्क प्राइस बताना है जब हम लोग डिस्काउंट देते हैं, कितने का डिस्काउंट देते हैं, 8.33% का डिस्काउंट देते हैं, जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/12, 12 में एक की कमी, यानी क्या कर दो 11 बटे में क्या कर दो 12 कर दो, 11 से काट दो 10 बार में 12 दिया 36, मार्क प्राइस कितना निकल के आ जाएगा 360 रुपया निकल के आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है 360 रुपया। ठीक है, तो ये सवाल भी हम लोगों का आसान था। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या हम लोगों का, अगला देखो क्या बोल रहा है, द अमाउंट स्पेंट ऑन 210 वॉलेट इन जून, 210 वॉलेट को जून में बेचने पे। तो अब यहां से देखो, 210 वॉलेट जून में बेचा, 70 का मान जो है 210 के बराबर है, तो 1 का मान 30 के बराबर, तो 8 का मान कितना के बराबर हो जाएगा, 240 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोल रहा है सवाल में, मई जून की क्वांटिटी निकल गई, वॉलेट परचेज इन 50400। ठीक है, वॉलेट जो परचेज किया गया था, द अमाउंट स्पेंट ऑन परचेज ऑफ वॉलेट, वो कितना परचेज, कितना रुपया खर्च करा गया था, 50400 खर्च करा गया था। ऑन परचेजिंग ऑफ कितना वॉलेट, ये कब खर्च करा गया था, जून में, जून में कितना वॉलेट खर्च करा गया था, 210, और जून में एक का जो हमारा एसपी है वो कितना के बराबर है, 8 के बराबर है। ठीक है, 0 0 यहां से काट दो, ये 0 भी यहां से काट दो, 8 से काट दो, 8 6 48, 8 3 24, 21 से काट दो 3 बार में, ए का वैल्यू निकल के आ गया कितना, 3 निकल के आ गया। ठीक है, आगे देखो क्या बोला है, द टोटल प्रॉफिट मेड बाय सेलर ऑन 220 डिओड्रेंट। ठीक है, 220 डिओड्रेंट को कब, 220 डिओड्रेंट को सोल्ड ऑन जून, जून में, जून में डिओड्रेंट देखो तो कहां है, जून में डिओड्रेंट यहां है, 11 का मान 220 के बराबर, तो 14 का मान कितना के बराबर हो जाएगा, 280 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से जब क्वांटिटी निकल गई हमारी, तो क्वांटिटी के बाद हमारा क्या कर सकते हैं, हमारा क्या दिए हुआ है कि टोटल प्रॉफिट जो कमाया था वो जून में कितना कमाया था, 48400 कमाया था। कितना क्वांटिटी पे कमाया था जून में, 220 क्वांटिटी पे, तो एक का प्रॉफिट निकल गया जून का, जो कि कितना है हमारा, 55D है। ठीक है, अब यहां से इसे सॉल्व थोड़ा सा कर लो, 0 0 काट दो, 22 से ये कट जाएगा, 22 2 44, फिर 22 2 44, 220 बार में, 11 से 5 बार में, 11 2 20, 5 से काट दो इसे 4 बार में, डी का मान निकल के आ गया कितना, 4 निकल के आ गया, डी भी निकल गया, ए भी निकल गया। अब जो पूछा इसी के अकॉर्डिंग, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट रिसीव्ड बाय सेलर इन मई फ्रॉम वॉलेट, वॉलेट से टोटल प्रॉफिट जो कमाएगा मई में, तो मई में कितना कमाएगा, 240 है, और गुने में कितना कर देंगे, 15A कर देंगे। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, एंड डिओड्रेंट, डिओड्रेंट से भी मई में, ठीक है, डिओड्रेंट का मई में कितना का प्रॉफिट है हमारा, 25D का है, और कितना क्वांटिटी हम लोग बेच रहे हैं, तो हम लोग बेच रहे हैं कितना मई में, 280 क्वांटिटी बेच रहे हैं। ठीक है, अब यहां से ए का वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, तो 240 गुने में 45 प्लस में 25 है, यानी 25 गुने 100 कर देंगे, तो यानी क्या हो जाएगा, 4 गुने कर देंगे, 100 गुने में 280 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद ये हमें क्या देगा, 38800 रुपीज देगा, और इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो 38800 है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये डीआई समझ में आया होगा। डीआई में क्या है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, अगर टाइम है तुम्हारे पास एग्जाम में तो इसे जरूर बना सकते हो तुम, बस होते हैं थोड़ा सा डेटा ये तुम निकाल लो। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि इस डेटा को हर बार पूरा एक साथ निकाल लो या सवाल के अकॉर्डिंग जैसे जैसे करना है, बस ध्यान रखना एक पैटर्न ऑब्जर्व कर लेना, और उसी पैटर्न पे तुम क्या करना, सारे डेटा को सॉल्व करते हुए चले जाना। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देयर आर 3 कंटेनर ए बी सी विद सम क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ईच। ठीक है, हर एक में कुछ कुछ क्वांटिटी वाटर है, ए में जो है वो के लीटर वाटर दिए हुआ है, बी में जो है के प्लस 10 लीटर वाटर दिए हुआ है, एंड सी में जो दिए हुआ है वो कितना दिए हुआ है, एम लीटर वाटर दिए हुआ है। ठीक है, तो सी में एम दिए हुआ है, हम लोग यहां से मान लेते हैं लेट एम बराबर में कितना, 10C मान लेते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला सवाल में, द वाटर फ्रॉम द 3 कंटेनर इज कंप्लीटली टेकन आउट, तीनों में जितना जितना पानी है सबको एक साथ ले आया जाता है, एंड देन पोर्ड इवनली इन ऑल 3 कंटेनर, और सबको क्या कर दिया जाता है, बराबर मात्रा में डाल दिया जाता है। ठीक है, मतलब सब में जितना भी लीटर लाए उसको बराबर मात्रा में सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, सच दैट देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 10% इन द वाटर कंटेंट ऑफ सी,
सी में जो है इस प्रकार से 10% का डिक्रीज हुआ, मतलब फाइनली जब तीनों में बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सी में जो आया वो पहले से 10% कम आया, तो पहले से 10% कमी का मतलब क्या हो गया, 9C हो गया हमारा, ठीक है। जब 9C आया तो सब में कितना हो जाएगा, 9C n 9C, ठीक है। तो यहां से तीनों का वाटर जोड़ के हमारा, यहां से तीनों का वाटर के बराबर होगा, जोड़ो तो यहां पे जब जोड़ेंगे तो के कितना हो जाएगा, 2K प्लस में 10, और m का मान हम लोगों ने 10C माना था, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 दिया हमारा कितना, 27C, ठीक है। 2K प्लस में 10 बराबर में कितना हो जाएगा हमारा, 17C। हम लोग को C पे सॉल्व नहीं करना है, M पे सॉल्व करना है, तो यहाँ से C बराबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, M बाई में 10, यानी 2K प्लस में 10 बराबर में 17C, यानी कि M बटे में कितना, 10, 20K प्लस में 100 बराबर में कितना हो जाएगा, 17। ये हमारा इक्वेशन निकल के आ गया। इक्वेशन जब निकल के आ गया तो इसमें हमको क्या बोला है, विच कैन बी द वैल्यू ऑफ के एंड एम इन दैट ऑर्डर, इसी ऑर्डर में। तो एक एक करके ऑप्शन चेक करेंगे, पहला ऑप्शन पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है हम लोग का, 250 है और कितना है हमारा, 300। 250 को हम लोग जब यहाँ 20 से गुना करेंगे तो ये हमको देगा यहाँ 5000, 5000 गुने और 100 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5100। इधर से 17 गुने 3 करेंगे तो 17 गुना 3 भी हमारा कितना हो जाएगा, 5100, जो कि दोनों ही बराबर है। ये हमारा क्या है, सेटिस्फाई करा, तो हमें इस इक्वेशन पे चेक करना है। चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ओनली ए बी डी एंड ई, ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा। चेक कर लेना है सारा एक करके ऑप्शन, इस तरीके से हम लोग चेक कर लेंगे। आपको अगर ऑप्शन में चेक करने में दिक्कत हो रही है तो आप इस चीज को, हम लोगों ने पहले पार्ट के वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एक एक करके आप कैसे ऑप्शन को चुने और एलिमिनेट कर ले। अब यहाँ पे देखो, तुम जब चेक करते हुए आओगे तो सबसे पहले तुम क्या चेक करोगे, ए चेक करोगे, फिर बी चेक करोगे, ए बी का साथ में देखो कौन सा ऑप्शन है, सी चेक करोगे तो सी सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। तो ए बी के साथ सी कौन कौन कहाँ कहाँ आ रहा है, सी कहाँ कहाँ आ रहा है, पहले ये चेक कर लो। सबसे पहले बी नंबर ऑप्शन खत्म हो गया, ए हो सकता है, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन खत्म हो गया, ई नंबर खत्म हो गया, तुम्हारा फाइट जो है ए और डी में है तुम्हारा, ठीक है। ए में तुम्हारा ए बी डी है और डी में तुम्हारा ए बी डी ई है, ठीक है। ई को अगर चेक करो तो तुम्हारा सेटिस्फाई हो जाएगा, अगर ई सेटिस्फाई करेगा तो तुम्हारा डी नंबर ऑप्शन, ई सेटिस्फाई नहीं करेगा तो तुम्हारा ए नंबर ऑप्शन रहेगा, मतलब डी को चेक करने से तुम एक बच जाओगे। तो इसी तरीके से एक एक से तुम समय बचा सकते हो, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, अगला मैं बोल रहा है, ए बी आर साइकिलिंग ऑन अ ट्रैक पी क्यू, ठीक है, एक ट्रैक हमारा पी क्यू है जिसपे ए और बी साइकिल कर रहे हैं। ए स्टार्ट्स फ्रॉम बी, ए पी से चलता है, बी स्टार्ट्स फ्रॉम क्यू साइमल्टेनियसली एक ही समय पे, ठीक है। दे साइकिल टुवर्ड्स ईच अदर एंड मीट एट अ पॉइंट आर, एक दूसरे की ओर चलते हैं और आर पॉइंट पे मीट करते हैं। आफ्टर मीटिंग एट अ पॉइंट आर, ए रीचेस क्यू इन 64 सेकेंड, आर पे मीट करने के बाद ए को यहां से यहां जाने में जो लगा वो कितना सेकंड लगा, 64 सेकंड लगा। फिर बोल रहा है बी रीचेस क्यू इन 36 सेकंड, बी को यहां से यहां जाने में जो समय लगा वो लगा 36 सेकंड लगा, ठीक है। तो इस टाइप के लिए तुम्हें एक चीज ध्यान रखना होगा, एक फॉर्मूला ध्यान रखना होता है, क्या होता है, स्पीड ऑफ ए बटे में स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी बटे में टाइम ऑफ ए अंडर रूट ऑफ, ठीक है। अब इस आगे सवाल में क्या दिया हुआ है, द स्पीड ऑफ ए इज 54, ए का स्पीड 54 है, स्पीड ऑफ बी यहां से रहने दो, बराबर में टाइम ऑफ बी, टाइम ऑफ बी कितना है, 36 सेकंड। ये टाइम ऑफ बी जो है मिलने के बाद वाला टाइम है, ठीक है। तो ये 36 सेकंड और ये 64, 36 से रूट बाहर निकलेगा 6, इससे बाहर निकलेगा 8, यानी स्पीड ऑफ बी जो निकल के आएगा 5, 6 से काट दो 9 बार में, 8, 9 का कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से तुम थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं, हमें सवाल में निकालना तो कुछ है ही नहीं, हमें सिर्फ ऑब्जर्व करके बताना है किससे किससे क्या क्या हम लोग निकाल सकते हैं। पहला देखो क्या है, स्पीड ऑफ बी जो कि हम लोगों ने निकाल रखा, लेंथ ऑफ ट्रैक पी क्यू, पी क्यू की लंबाई, यहां से यहां बी का हमारा टाइम मालूम, बी का स्पीड मालूम, तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा, यानी पी आर डिस्टेंस हम लोग को मालूम हो गया। यहां से यहां ए का टाइम ए के स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर क्यू भी निकल जाएगा, टोटल ऐड कर देंगे, पी क्यू का डिस्टेंस निकल गया हमारा, क्या था पहला निकल गया, दूसरा पी क्यू बोला था, पी क्यू भी निकल गया। टाइम एट विच दे मीट आफ्टर स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्ट होने के कितने देर के बाद मिले, तो मिलने में लगा समय क्या होता है हम लोगों का, दोनों के बीच का दूरी जो कि ऑप्शन नंबर बी बता देगा, बटे में रिलेटिव स्पीड, स्पीड भी दोनों का मालूम है तो हमारा मिलने में लगा समय भी निकल जाएगा। तो
तो ये ऑप्शन भी हमारा हो गया। काहे के लिए निकालने में हमको डेटा पूछा, कहीं पे भी हमसे डेटा कहीं नहीं पूछा, हमसे सिर्फ पूछा है क्या ये निकल सकती है। हाँ निकल सकती है, निकल गई हमारी। चौथा देखो क्या बोला, डिस्टेंस ऑफ पीआर एंड आरक्यू, पीआर और आरक्यू का अलग अलग डिस्टेंस, पीआर अभी हम लोग निकाले, आरक्यू भी हम लोग निकाले, बी के निकालने के लिए हमारा डी नंबर भी निकल सकता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा पांचों का पांचों निकल, चारों का चारों निकल जा रहा है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है अगला देखो, अगला क्या है, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, अजय एंड भानु डिवाइड अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ राइस इक्वली बिटवीन देम। ठीक है इक्वली डिवाइड कर रहे हैं सर्टेन क्वांटिटी ऑफ राइस, तो हम मान लेते हैं कि क्वांटिटी जो है वो एक्स रुपीज है। ठीक है फिर क्या बोल रहा है, ए डिवाइड द राइस विद हिम इनटू अ सर्टेन नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ए, सेल्स एम पार्ट एट 16.67 प्रॉफिट, जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है 1/6। ठीक है बी डिवाइड्स द राइट विद हिम इनटू 33.33% लेस पार्ट देन ए, ए से 33.33 पार्ट का, तो इसको जो हम लोग का ए है और बी है, लेट से ए जो है हम लोगों का पार्ट का अगर हम लोग बात करें डिवीजन का, ए अगर 3x पार्ट में डिवाइड करता होगा तो ये क्या होगा 2x 33.33% लेस, 3x का लेस करोगे कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। आगे देखो क्या बोल रहा है, एंड सेल्स लेस देन ए एंड सेल्स एन पार्ट्स एट 37.5% प्रॉफिट। ठीक है 37.5% प्रॉफिट में बेच देता है। अब यहां से तुम देखो क्या है, एक वैल्यू ना तुम यहां से डिसाइड कर लो, ठीक है 1/6 है, 1/3 है, 8/3 है, तो 6/3 जब तुम जब करोगे तो 6/3 जब तुम्हारा कितना हो जाएगा 18 में तुम यहां से 3/8 है यानी कि 8 कर दो, तो लगभग मैं इस टाइप के जितने भी फ्रैक्शंस है उन सब फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करके एक कॉमन सी वैल्यू निकाल लो, और यहां से मान लो टोटल प्राइस हम लोग यहां से जब मानेंगे तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 288A मान लेते हैं। ठीक है जब 288 मानेंगे तो सबको दोनों बराबर भाग में बांट रहा है, ये भी 144 लेगा, ये भी 144 लेगा, ये 144 एक जो इसका प्राइस है और ये भी 144 है, ए बांटा 3x में, तो एक पार्ट का जो प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 144 ए बटे में 3x, 3 से काट दोगे 48 बार में यानी क्या दे देगा 48 ए बाय में x, इसका एक पार्ट का कितना हो जाएगा 144 ए बाय में 2x, 2 से काट दोगे 72 बार में ये तुम्हें क्या देगा 72 ए बाय में कितना x देगा। ठीक है जब एक पार्ट का निकल गया तो क्या बोला था, ए जो है m पार्ट को बेचता है, तो m पार्ट का जो प्राइस हो जाएगा वो m पार्ट का प्राइस कितना हो जाएगा देखो तो 48 am बटे में x, और ये जो बेचता है ये n पार्ट्स को बेचता है यानी 72 an बटे में x। ठीक है अगर हम लोग यहां से टोटल पार्ट का टोटल प्राइस जानना चाहें तो टोटल प्राइस हम लोगों का क्या हो जाएगा देखो दोनों को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे a by x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 48 m प्लस में 72 एन बचेगा, ये हमारा क्या हो गया टोटल प्राइस हो गया। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, एम पार्ट्स को बेचा 1/6 यानी कि 16.67 के प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट अगर हम लोग यहां से निकालें तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा हम लोगों का 48 ए एम बटे में एक्स और गुने में 1/6, तो 6 से काट देंगे 8 बार में कट जाएगा यानी कि यहां मिल जाएगा 8 ए एम बाई में कितना एक्स, यहां आ जाते हैं किसमें देखो इसमें 37.35 यानी कि क्या 3/8 में बेचेगा 72 ए एन। ठीक है ये एक पार्ट हो गया 72 ए एन बटे में एक्स गुने में 3/8 कर देते हैं, 8 से 9 बार में 9 दिया कितना हो जाएगा हमारा 27 ए एन बाई में एक्स हो जाएगा। ठीक है ये हमारा निकल गया। अब अगर हम लोग यहां से टोटल प्रॉफिट का बात करें तो टोटल प्रॉफिट इन दोनों को जोड़ के आएगा, फिर देखो यहां से a बटे x कॉमन हो जाएगा तो 8m प्लस में कितना बचेगा 27m बचेगा, ये हमारा क्या हो गया टोटल प्रॉफिट। ठीक है ये क्या हो गया हमारा टोटल प्रॉफिट निकल गया। अब यहां से देखो सवाल में आगे क्या बोल रहा है, मेन चीज यहां पे अब बोल रहा है व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ m एंड n, m और n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है सच दैट टोटल प्रॉफिट मेड बाय हिम इज मोर देन 25%, टोटल प्रॉफिट जो बनाया गया वो क्या है 25% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है तो 25% से ज्यादा जब होना चाहिए तो सीपी पे ही 25% से ज्यादा होना चाहिए,
तो यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे सवाल में क्या दे रखा है तुम्हारा, एक्चुअली में जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है a बाई एक्स 8m प्लस में 27m, ठीक है। और ये जो है तुम्हारा 25% से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो किसका 25% से, सीपी का 25% से। तो 25% ऑफ a बाई एक्स, और टोटल सीपी कितना है 48m प्लस में कितना 72m। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 48m प्लस में 72m, ठीक है। ax खत्म हो जाएगा, 25% 1/4 देगा, तो यानी 8 4 32m, 27 करेंगे तो 80 और 28 108 है, बराबर में बराबर नहीं, ग्रेटर देन 48m, ग्रेटर देन ही बोला था, मोर देन 48m प्लस में 72m, ठीक है। अब यहां से घटा दो, 108 में ये तुम घटा दो, यहां से हो गया 28 और 8 कितना हो गया 36m हो गया, ठीक है। और यहां से तुम जब घटाओगे तो ये 8 गुना क्या हो जाएगा 16m हो जाएगा, ग्रेटर देन कितना 16m। तो n बाई m जो निकल के आएगा 16 बाई में 36, 4 से 4, 4 से 9, यानी कितना निकल के आ गया 4 बाई 9। n बाई m का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 4 बाई 9 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सवाल में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है m और n का वैल्यू हो सकता है, ये m और n का मतलब पहला ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो m हम लोग को 15 लेना है और n जो लेना है वो 10 लेना है, ठीक है। तो m 10 और यहाँ लेते हैं, तो 10 यहाँ पे और 15 यहाँ पे, 5 × 5 दिया और 4 और 9, चेक कर लेते हैं, 9 × 18, 4 दिया 12, डेफिनेटली ये बड़ा जा रहा है हमारा, यानी कि ये वाला वैल्यू क्या है हमारा सेटिस्फाइड है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक एक वैल्यू को चेक करते चले जाएंगे, चेक करने के बाद हमारा जो है ये हर एक चेक करेंगे जब हम लोग, तो यहां से हमारा जो आंसर आएगा, आंसर आएगा ओनली ए बी एंड डी, ठीक है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा, एक एक करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगला सवाल देखो क्या है। चलो अगला देखो क्या है, ए स्टार्ट्स अ बिजनेस विद 15,000, और 15,000 के साथ ए बिजनेस शुरू करता है अपना, ठीक है। 3 months लेटर बी ज्वाइंस विद अ सर्टेन अमाउंट, ठीक है, बी जो है कुछ अमाउंट के साथ ज्वाइन करता है। फिर क्या बोल रहा है, टी मंथ्स लेटर सी ऑल्सो ज्वाइंस विद एन अमाउंट ट्वाइस दैट ऑफ बी, बी से 4 गुना सी भी ज्वाइन करता है, ठीक है। 6 months after joining, B withdraws 25% of his amount. B अपने amount का 25% निकाल लेता है। तो हम लोग यहां से A, B, C करते हैं, ठीक है? A, B and C. A हमारा शुरू किया 15,000 से, ठीक है? A का कोई कंडीशन समय का नहीं मालूम है। 3 महीने के बाद B आता है, तो B आएगा, मान लो हम लोग B लेके आए 4x रुपए से, ठीक है? और 6 महीने के बाद B निकाल लेता है, मतलब ये 4x रुपया जो है 6 महीने तक रहा, और 6 महीने के बाद वो कितना निकाल लेता है, ड्रॉ 25% ऑफ हिज अमाउंट। तो 25% 1/4 निकाल लेगा, तो बचेगा कितना उसका 3x बचेगा, और आगे के महीनों के लिए वो चलेगा, ठीक है। आगे के महीनों के लिए अब वहां पे आगे क्या बोला है, 10 months बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ द 2 year ऑफ बिजनेस सी विथड्रॉज हिज अमाउंट, सी पैसा निकाल लेते, इसके बाद कहीं कुछ नहीं है। तो यहाँ पे तुम देखो सवाल में क्या है, 3 महीने के बाद आया, 6 महीने तक ये चला, ठीक है। तो 6 दिन कितना हो गया, 9 महीना, टोटल हमारा 2 साल का बात किए हुआ है, तो 2 साल का जब बात किया तो 12 गुना कितना हो जाएगा हमारा 24, ठीक है। तो 24 महीने में 9 महीने चला गया हमारा, 24 में 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा 15 महीने, यानी कि ये बाकी अमाउंट जो रहेगा वो कितने महीने तक रहेगा, 15 महीने तक रहेगा। आगे देखो आगे क्या बोला, सी का कंडीशन क्या है, सी जो है हमारा वो क्या बोल रहा है सवाल में कि 20% जो है सी का जो है 2 गुना अमाउंट लाता है, किससे, ए से, सॉरी बी से। तो बी 4x था, तो ये कितना लाएगा 8x लाएगा। कितने दिन के लिए रहा ये देखो, 3 महीने के बाद आया, कब आया 3 महीने के बाद, 3 महीना सबसे पहले बी, 3 महीने के बाद बी आया, तो 24 में 3 चला गया कितना 21। 3 महीने के बाद आया और 10 महीने पहले, तो 21 में 10 चला गया कितना 11 माइनस 3 महीनों के लिए रहा, यानी कि ये जो रहेगा 11 माइनस कितना 3 महीनों के लिए रहा होगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है हमारा, ये जो है अपना हाफ पैसा विड्रॉ कर लेता, तो 8x है, तो आगे जो चलेगा वो कितना चलेगा 4x चलेगा, और ये जो चलेगा कितने दिनों के लिए चलेगा, अंतिम के 10 महीनों के लिए चलेगा, और यही हमारा जो है फाइनल रेशियो देगा। जब ये हमारा फाइनल रेशियो देगा तो क्या बोल रहा है, 1 साल के अंत में आफ्टर 2 ईयर द प्रॉफिट रिसीव्ड बाई बी इज 15% मोर देन दैट ऑफ ए, ठीक है, ए से।
अब इसका भी समय हम लोग मेंशन कर देते हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, तो ये 24 महीने इसको कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से सबको क्या करना है, काटते चले जाना है। अब देखो यहाँ से जब काटोगे तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है कि 1000 में ये सारा चीज ऐसे ही है। तो हम लोग शुरुआत में जो 4x मारे थे इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ पे 4000x मान लेते हैं। तो ये 3x क्या हो जाएगा हमारा, 3000x हो जाएगा। और ये 8x भी जो है हमारा यहाँ पे रेशियो है, ये क्या हो जाएगा हमारा 8000x हो जाएगा। ये 4x भी जो है ये क्या हो जाएगा हमारा 4000x हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, ये 3 0 3 0 3 0 3 0 और ये 3 0 यहाँ से खत्म, यानी यहाँ पे आया 15 × 24, यहाँ पे आएगा 6 × 24x और 15 × 45, तो 24 × 15 कितना हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी 6 × 24 और 15 × 45, 40 × 60 9x, ठीक है। यहाँ पे जब तुम आओगे तो 8 × 11 करोगे 88x, फिर 8 × 60 करोगे तो माइनस में 8xt, और यहां से कर दोगे तुम 40x, ठीक है। तो 40x 88 और 40 जब करोगे तो ये तुम्हें देगा 120, यानी कि इसको थोड़ा सा तुम यहां से अगर चेंज कर दो तो ये तुम्हें देगा 128x, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है अगला स्लाइड में, आफ्टर 2 ईयर द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय बी इज 15% मोर देन ए, ए के प्रॉफिट से 15% अधिक है, तो 115/100 किसका प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट, लिख दो बी का प्रॉफिट। अब इसी को थोड़ा सॉल्व कर दो, अगर तुम 13 से देख रहे हो, यहाँ पे तुम काट दो इसे 23 से काट, देखो 23 से कट जाएगा 5 बार में, 23 से कट जाएगा 3 बार, ठीक है। 3 से काट दो 5 बार में, 5 × 5 20, 20 से कट जाएगा ये 5 बार, ठीक है, 20 × 25 100, ठीक है। 20 से जब कट गया 5 बार में तो यहां से क्या हो रहा है, ये 69 आ रहा है हमारा, ठीक है, नहीं ये कुछ और भी कटेगा, सॉरी 5 × 5 = 25 से ये कटेगा 4 बार में, 4 से ये कट जाएगा 6 बार में। x की वैल्यू जो निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गई, 6 निकल के आ गई। x जब 6 निकल के आ गया तो एक नया रेशियो हम लोग यहां से डेवलप कर सकते हैं, 15 × 24 रेशियो 69 × 6 रेशियो 128 × 6 और माइनस में 8, इसको ऐसे रह देते हैं 8 × 6 और यहां से क्या कर देते हैं, टी कर देते हैं। तो हम लोग 6 हर जगह से काट सकते थे, तो 6 से 4 बार में ये भी 6 खत्म, ये भी 6 खत्म, तो हमारा बचा क्या, रेशियो क्या आ गया, 60 रेशियो 69 रेशियो 128 माइनस में क्या आ जाएगा, 80 आएगा। अब सवाल में क्या बोल रहा है हम लोगों को, व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ टी सच दैट प्रॉफिट ऑफ सी इज लेस देन दैट ऑफ ए, सी का जो प्रॉफिट है वो ए से क्या है, कम है, ए के प्रॉफिट से सी का प्रॉफिट कम है, तो ए कितना है 60, लेस देन 128 माइनस में क्या कर देंगे 8t, 8t को इधर भेज दो और 160 को उधर भेज दो, ये क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा। अब यहां से तुम देखो टी का क्या वैल्यू रखोगे जो तुम 68 से अधिक देगा, 8 रखोगे तो 8 × 64, 9 से शुरू करोगे 89 का क्या होगा तुम्हारा 72, यानी टी का वैल्यू जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रेटर देन 8 होने का मतलब क्या है, कौन कौन सा ऑप्शन है ग्रेटर देन 8 में, 9 और 10 ऑनली डी एंड ई, तो इसी के साथ हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी एंड ई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइप के सवाल को हम लोग को बनाएंगे, अगले सवाल पूछ सकते हैं, अगला सवाल है। अगला और आखिरी सवाल देखो इस क्वेश्चन का क्या है, ए टैंक विच इज ओपन एट द टॉप हैज टू इनलेट पाइप ए एंड बी, एक टैंक है जो कि दो पाइप से, दो इनलेट पाइप है, तो इनलेट के हम लोग प्लस लगा देते हैं, 20 घंटे में ये भरता है और ये 25 घंटे में भरता है, ठीक है। एंड वन आउटलेट पाइप सी इज देयर एम्प्टी द टैंक इन 15 आवर, ये 15 घंटे में खाली करता है, तो टोटल वर्क यहां से हम लोग मान लेते हैं 300, 20 से काटोगे तो 20 से कटेगा ये 15 बार में, 25 से काटोगे ये 12 बार में, 15 से काटोगे ये तो 15 × 20 यानी 20 बार, ठीक है। ये दोनों भरने का है, ये क्या है, खाली करने का, ठीक है। क्या बोल रहा है सवाल में, व्हेन द टैंक वाज हाफ एम्प्टी ऑल थ्री पाइप्स आर ओपन टुगेदर, जब टैंक आधा खाली था तो सभी तीनों पाइप को साथ खोल देते हैं, तो 15 और 12 27 और 20 चला जाएगा, यानी 7 का काम हो रहा है हमारा, भरा रहा है, और 7 जब भरा रहा है हम लोगों का तो ये कितने देर तक भरा रहा है, टैंक बी इज क्लोज आफ्टर एक्स आवर, तो एक्स आवर तक तो सब साथ चला, ठीक है। द टैंक बिकम एम्प्टी एग्जैक्टली, खाली हो जाता है एग्जैक्टली, जब बी को भर दिया तो खाली होगा क्योंकि 15 भर रहा है 20 निकाल रहा है, यानी क्या हो रहा है 5 खाली हो रहा है, एग्जैक्टली वाई आवर,
वाई घंटे के बाद तब जब बी को बंद कर देते, बी को एक घंटा बंद किया इसके बाद खाली हो जा रहा है, और इस तरीके से टंकी पूरा खाली हो गया। तो खाली कौन सा हुआ, 150, आधा हमारा पहले से भरा हुआ था वही खाली होगा। खाली का मतलब क्या है, इसको खाली कर दो, 150 को निगेटिव मिलेगा। ठीक है, बोल क्या रहा है, एक्स और वाई का वैल्यू क्या क्या हो सकता है ये हमें बताने के लिए। तो पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन जो तुम्हारा है वो क्या है, तुम्हारा 5 है, तो 7 × 5 करोगे तो क्या हो जाएगा, 35, माइनस में 5 × 37 करो तो 5 × 37 जब करोगे तो 37 का आधा 185 तुम्हें देगा। 35 − 185 जो है ये किसके बराबर है, −150 के बराबर है, जो कि ये मैच कर रहा है। तो हमारा इक्वेशन जो ये बन के आए, इसी पे हम लोग सारा वैल्यू को चेक करेंगे। चेक करने के बाद हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है, ओनली ए एंड सी हमारा जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, रेस्ट ऑफ द कोई भी चीज जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ओनली ए एंड सी हो जाएगा। इसी के साथ हमारा जो ये सेशन है ये सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया हो। सेशन अगर पसंद आ रहा है ठीक है, तो इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक करना है, जितना ज्यादा ज्यादा हो सके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें शेयर भी करना है। शेयर करना ना भूले, आपका शेयर ही हमारे हम लोगों को जो है मोटिवेशन देगा। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को देखेंगे उतना ही ज्यादा हम लोगों के लिए फायदेमंद होगा और आपके लिए भी फायदेमंद होगा। ठीक है, तो नए नए सवालों को बनाते रहिए। हमारा सवाल जो होता है बिल्कुल नया होता है, बिल्कुल रेलेवेंट टू एग्जाम होता है, उसको कैसे टैकल करना होता है वो हर एक चीज को हम लोग। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखें।